स्टमक में बटरफ्लाइज हो रहे हैं खुशी हो रही है अंदर से शुक्रिया अदा कर रही हूँ सभी का तो मैं करीना कपूर खान से इंस्पायर हुई थी आप मुझे अभी लवली बबली गर्ल में देख रहे हैं इसके बाद आप मुझे टोटली एक्शन गर्ल में देखेंगे आई एम द माफिया आई एम द क्वीन आई एम आई सार के लवर जो पसंद है वो फुल फ्लैश पसंद है पूरी शिद्दत से पसंद है हाय मैं हूँ मिशिका चौरसिया और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी में आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी और आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस मौजूद है जिनकी एक्टिंग ने तो भाई दिल को छू लिया है बहुत-बहुत स्वागत है आपका मिशिका फर्स्ट इंडिया फिल्मी पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आपकी मूवी को लेकर बहुत बेहतरीन रहा है फिल्मों में आना ही बहुत बड़ी बात है और मैं फिल्म कर चुकी हूं और अब रिलीज पे आ गई है वो 24th नवंबर को स्टमक में बटरफ्लाइज हो रहे हैं खुशी हो रही है अंदर से शुक्रिया अदा कर रही हूँ सभी का यूनिवर्स का भगवान का प्रहलाद जी का जिन्होंने मुझे लॉन्च किया है आपका बचपन से ही ड्रीम रहा था मूवीज में आना या फिर ऐसे रैंडमली प्लान अगर देखा जाए तो मैं करीना कपूर खान से इंस्पायर हुई थी जब करीना मैम आई थी बट देन आई डोंट हैव अ है बैकग्राउंड सो आई जस्ट यू नो स्टॉप देन एंड देयर कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है बट मे बी आई वाज दिस टाइम सो डेस्टिनी ब्रॉटमी हो जब किसी का फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता है तो उनके लिए ये जर्नी काफी ज्यादा मुश्किल होती है किसी मूवी तक पहुंच पाना आपके लिए क्या कुछ मुश्किलें आई मुश्किलें तो आई थी क्योंकि मैं, मैं किसी को जानती नहीं थी जब hmm. मैं बॉम्बे आई थी तो मैं लोगों से मिली बट देन फिर भी अगर देखा जाए तो दूसरे लोगों के कंपेरिजन में मुझे थोड़ा सा कम बिकॉज सर को जब मैं मिली थी तो सर वॉज इन सेंसर बोल्ड एंड सेट की जब भी मैं फिल्म बनाऊंगा आई रिमेम्बर यू दैट वॉज हिस्स वर्स And that time he was in CBFC. But the moment he started film, he remembered me. He re literally called me. he's like, I'm starting a film. You come and meet me. So when I went to his office, he said, Govinda ke sath film hain mm -hmm. And I literally screamed, literally shouted because of the happiness. So of course, sir, launched kia dusri film mari Anari is back mm -hmm. again. You know, I'm doing a film with Nawab Khan. Mithun sir is there. Anita mam ma is there, Anita Raj mam. Ma मनोज जोशी सर शक्ति कपूर सर तो अपने आप में सब लेजेंड है इससे आगे भगवान से क्या ही मांगू मैं फिर बात करें आप जिन एक्टर्स के साथ काम कर रही हैं उनको इंडस्ट्री में कई सालों का एक्सपीरियंस है ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना आपके लिए कितना ज़्यादा आपको क्या, क्या क्या फील हुआ क्या कुछ सीखने को मिला इनके साथ सीखने को तो बहुत कुछ मिला रोजी ही कुछ सीखने को मिलता था ऑन सेट ऑफ सेट देवर लाइक सुपर नाइस सुपर लाइक यू नो सो डाउन टू अर्थ मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े सुपरस्टार इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम कर इतना प्यार इतना अच्छे से नो उन लोगों ने हमें ट्रीट किया इतने अच्छे से संभाला है सेट पे ऐसी कोई फ़नी मोमेंट रही हो जो आप लोगों ने सेट पे किया हो फनी मोमेंट तो अगर आपने मेरा ट्रेलर देखा है तो उसमें मिथुन सर बोलते हैं कि तुम काम क्या करती हो धन आई से कि मैं मैम की बॉय हूँ इज लाइक लड़की हो के बॉय

Not too good, hmm. of course. And I was doing a film, so my. I have to show that I don't know cooking. So was hmm. easy. That oh, Well, <laughs> <Bahut zyada. laughs> actor, what was kya experience? Nabab Khan. Hmm. Nabab Khan is a very confident, good actor. We had a good chemistry. We were like, you know, too smooth on set, off set. So things went thoroughly smooth. गाने की बात करें गाने में तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा यू नो अच्छी लग रही है फैंस को भी गाना बहुत पसंद आ रहा है आपको पर्सनली ये गाना कितना अच्छा लगा आपकी मूवीज़ का मेरा फेवरेट सॉन्ग है अगर आप देखा जाए तो इसमें पाँच सॉन्ग है पाँचों के पाँचों मेरे फेवरेट है इफ़ यू आस्क मी कि इसको रेटिंग दो लाइक वन टू थ्री आई कैन नॉट गिव आई से ऑल वन यू नो तो इतने पसंद है मुझे मेरी फिल्म के गाने ऐसा नहीं है मेरी फिल्म के हैं अगर किसी और फिल्म के भी ये सब गाने होते तब भी ये मेरे फेवरेट होते नवाब के साथ आपकी कोई बेस्ट मेमोरी नवाब के साथ मेरी बेस्ट मेमोरी था और जब भी हम शूट करते थे या कुछ भी तो ही टू क्लिक यू नो वो वीडियोस उसके ऑन ही रहते थे ऑल द टाइम टू जस्ट रैंडमली कैंडिड फोटोज कैंडिड वीडियोस सो वी वीज टू डू सम फनी मोमेंट आल्सो वो भी वो कैप्चर करके ही टू टू जस्ट पोस्ट ऑन स्टोरीज आई लिटरली फाइट ये क्यों डाला वो क्यों डाला <laughs> जैसे कि आपने बताया कि आपकी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं थी तो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आपके लिए मुश्किल रहा या आसान मुश्किल था बट आसान कर दिया प्रहलाद जी ने मतलब तो काफ़ी हद तक आपने अपने ड्रीम को पूरा कर लिया है तो आप इस मोमेंट पे जब यहाँ पहुँची कैसा फील हो रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्या ही बोलूँ मैं फिल्म कर ली है फिल्म रिलीज पे आ गई है

एक्शन uh, गर्ल में देखेंगे दैट इज यस एक्शन पैक्ड फिल्म है पैन इंडिया फिल्म बन रही है मल्टी फिल्म है एक्शन पैक्ड आई एम डूइंग कंप्लीट एक्शन इन दिस लाइक यू कैन से समर सॉल्ट भी मैं खुद कर रही हूँ नो ड सो इट्स गोइंग टू बी पैन इंडिया मल्टी माफिया क्वीन आई एम द माफिया आई एम द क्वीन वेल इस मूवी को की बात करें अगर हम अनारी की तो इसमें आप पर्सनल लाइफ से खुद को कितना रिलेट कर पा रही हैं जिस जैसा इसमें आपका कैरेक्टर दिखाया गया सो so, इसमें ये इस बहुत सिंपल गर्ल है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग सो इन रियल लाइफ ऑल्सो आई एम लाइक सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक शी लिव्स अब्रॉड तो वहाँ पर उसको उसका कल्चर वल्चर समझ नहीं आता है वहाँ पर लोग समझ नहीं आता है वैन शी कम्स टू इंडिया उसको वहाँ की मिट्टी वहाँ के लोग रिलेशनशिप मदर डॉटर के रिलेशनशिप जितने भी वैल्यूज़ होती हैं उसको सब यहाँ इंडिया की ही पसंद है एंड आई एम जस्ट लाइक दैट वेल well, बात करें लव लाइफ की तो पर्सनली आपकी अगर किसी लड़के में कोई चीज़ क्वालिटी देखना हो अपने लिए पार्टनर के लिए तो क्या क्वालिटीज देखती है ऑनेस्टी ऑनेस्टी ओके कौन सा ऐसा काम है जिसे करके आपको सुकून मिलता है मैं जब ऑर्फन एज जाती हूँ छोटे बच्चों को अनप्रिविलेज चिल्ड्रन को मिलती हूँ या फिर ओल्ड एज होम जाती हूँ स्टेट ऑग को फीड करती हूँ इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है अभी आप क्या कुछ कर रही हैं

आई लव करीना कपूर खान आई लव दीपिका पादुकोण शाहरुख के साथ अगर आपको मूवी करने का मौका मिले तो कैसी मूवी करना चाहोगे आप जो भी मिल जाए रोमांटिक या फिर थ्रिलर कैसा जो भी मिल जाए ओके okay. और करीना का आपका फेवरेट मूवी कौन सा है आई लव करीना तो आई लव करीना नाइबी फिल्म ओके आई एम नो बायस जो पसंद है वो फुल फ्लैश पसंद है पूरी शिद्दत से पसंद है ओके <laughs> okay. बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी मूवी आ रही है और फैंस से यही विशेष है कि वो जाके थिएटर में आपकी मूवी को बहुत सारा प्यार दें थैंक यू आपके क्या मैसेज है आपके फैंस के लिए ट्वेंटी नवंबर नवम्बर को अनारिज़ बैक फिल्म रिलीज़ हो रही है प्लीज़ जाके थिएटर्स में देखिए और आप लोग बताइए फिल्म कैसी है क्योंकि अगर आपको फिल्म मसाला देखना है तो ये फिल्म ज़रूर से देखिएगा बिल्कुल मिस मत करिएगा अदरवाइज इस साल की अच्छी फिल्म मिस हो जाएगी